देखिए आज हम एसीपी रिसेट करना, ब्रेक माइनिंग रिलीज करना और दो कोच को अलग करने के संबंध में एलएचपी कोच के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए एलएचपी कोच में जब भी एसीपी होता है तो किस प्रकार ये काम हो जाता है और प्रेशर का भी आवाज़ आने लगता है, एयर प्रेशर जो निकलता है उसका भी आवाज़ आता है। जिस कंपार्टमेंट में एसीपी हुआ है उस कंपार्टमेंट का देखिए पसंदीदा अलार्म डिवाइस है वो नीचे किया गया है जिसकी वजह से एसीपी हो गया। अब ये एसीपी रिसेट की है, इसको लगाएंगे इसमें और लगा के क्लॉक बाइज इसको घुमाना है। अब ये रिसेट हो गया। फिर एक बार देखिए पसंदीदा अलार्म डिवाइस है उसको नीचे करने से एसीपी हो जाता है। अब इसमें लाल इंडिकेशन भी जलने लगता है, बाहर भी इंडिकेशन लाल जलने लगता है। अब इसको रिसेट करने के लिए चाबी से लगाएंगे इसमें और रिसेट कर देंगे। अब ये रिसेट हो गया, ठीक है। अगर काफ़ी भीड़ के वजह से अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका एक नीचे भी डिवाइस होता है, हैंडल होता है, उसके द्वारा इसको रिलीज किया जा सकता है जिसके द्वारा आइसोलेट भी एसीपी हो जाता है। आइए नीचे देखते हैं। जब एलएचपी कोच में काफ़ी भीड़ रहती है और अंदर नहीं जा पाते हैं और उसे एसीपी को रिसेट करना है तो देखिए डीबी के जस्ट अपोजिट साइड में पायदान और व्हील के बीच में देखिए पीईवी पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आइसोलेटिंग हैंडल है। ये आइसोलेटिंग हैंडल देखिए कहाँ पर है, आइसोलेटिंग हैंडल में करीब 1.5 फीट 2 फीट अंदर जाके है और उस हैंडल को फिर घुमाना है। हैंडल को किस प्रकार घुमाया जाता है ये देखिएगा, हैंडल के पास जाएंगे और हैंडल को ऐसे घुमा देंगे। इससे क्या हो गया, ये एसीपी रिसेट हो गया और आइसोलेट भी हो गया। अब इसमें एसीपी नहीं होगा इस कोच में और ऐसे करके इसको छोड़ देना है। एक बार और देख लीजिए, जब भी एसीपी को रिसेट करना है आइसोलेट करना है तो ऐसे इसको घुमा के छोड़ देते हैं और एसीपी रिसेट हो गया, आइसोलेट भी हो गया और इसके द्वारा एसीपी नहीं होगा। ये पीवे के सामने है, ब्रेक वाइंडिंग को रिलीज करने के संबंध में चर्चा करते हैं। जब भी ब्रेक वाइंडिंग होता है तो ये इसका इंडिकेटर लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट ट्रॉली का, राइट हैंड राइट ट्रॉली का इंडिकेटर है और ये दोनों इंडिकेटर देखिए लाल है। ये हैंडल जो है डीबी से लगा हुआ है और ये रिलीज करने वाला हैंडल है, ये कोच के दूसरे तरफ भी लगा हुआ है। जब ये हैंडल को खींचते हैं या दबाते हैं तो दोनों ट्रॉली ये रिलीज हो जाएगा और ये लाल से हरा हो जाएगा। देखिए किस प्रकार हम इसको खींचेंगे और ये रिलीज हो जाएगा। इसको 20 से 25 सेकंड लगता है, 20 से 25 सेकंड में ये दोनों इंडिकेटर खड़ा हो जाएगा यानी दोनों तरफ का ट्रॉली रिलीज हो जाएगा। ये देखिए किस प्रकार लाल से हरा होने वाला है, ये दोनों लाल से हरा इंडिकेटर हो जाएगा, दोनों ट्रॉली देखिए ये हरा हो गया, ये भी हरा हो गया यानी अब दोनों ट्रॉली रिलीज हो गया, दोनों ट्रॉली रिलीज हो गया, दोनों हरा हो गया, दोनों ट्रॉली रिलीज हो गया। ये हैंडल से ही हो जाएगा जो क्विक रिलीज वाल्व लीवर से लगा हुआ है डीबी के द्वारा। अगर इससे नहीं होता है रिलीज, ऐसे कंडीशनल है डीबी पैनल, जब भी अगर रिलीजिंग नहीं होता है हैंडल से ऐसे कंडीशन में आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले ये देखिए एक ये टॉयलेट खोलने का कॉक लगा हुआ है और ये एफपी खोलने रिलीज करने का कॉक है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए डीबी के ऊपर आइसोलेटिंग कॉक है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट ट्रॉली के लिए, राइट हैंड राइट ट्रॉली के लिए। ये कॉक किसी में वर्टिकल भी हो सकता है, किसी में हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, किसी में क्लॉकवाइज भी घुमाना पड़ता है, किसी में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना पड़ता है। अगर ये ट्रॉली जाम है लेफ्ट हैंड का तो लेफ्ट हैंड का कॉक घुमाएंगे, राइट हैंड का ट्रॉली जाम है इंडिकेशन लाल दिखा रहा है तो राइट हैंड का ट्रॉली कॉक को घुमाएंगे। अगर दोनों जाम है तो दोनों ट्रॉली को कॉक को घुमाने से दोनों ट्रॉली रिलीज हो जाता है और आइसोलेट भी हो जाता है। फिर इसमें ब्रेकिंग नहीं होता है, कभी कभी पता चले इसके कॉक को भी घुमाने से अगर रिलीज नहीं हो रहा है आइसोलेट नहीं हो रहा है ऐसे कंडीशन में ये आर चार्जर नीचे है, आर चार्जर को खोल के ऊपर उठा देंगे तो पूरा आइसोलेट हो जाएंगे कोच और फिर इसमें ब्रेकिंग नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए दोनों इंडिकेशन लाल दिखा रहा है और ऐसे कंडीशन में ये दोनों में ब्रेकिंग है या ब्रेक बंदी है। अब इसको देखिए हम इसको घुमाते हैं, इसको भी हरा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड का घुमाए लेफ्ट हैंड वाली इंडिकेटर जो है लाल से हरा हो जाएगा, ये लाल से देखिए हरा हो गया। ऐसे ही राइट हैंड का घुमा दिए और राइट हैंड का जो है इंडिकेटर लाल से हरा हो जाएगा,
यानी दोनों रिलीज हो गया, आइसोलेट हो गया, अब इसमें ब्रेकिंग नहीं होगी। अगर इससे भी नहीं होता है ऐसे कंडीशन में हम इसको आर चार्जर को खोल के ऊपर उठा देते हैं, फिर ये आइसोलेट हो जाते हैं और पूरा सिस्टम इसमें आइसोलेट हो जाते हैं और इस कोच में फिर ब्रेकिंग नहीं होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे दो कोच को अलग करने के संबंध में। टॉयलेट वाले नहीं बताए, जब भी ब्लॉक सेक्शन में दो कोच को एलएचपी कोच को अलग करने की आवश्यकता हो ऐसे कंडीशन में, जब हो सकता है किसी आग लगने की वजह से, किसी अन्य असमान घटनाएं की वजह से अलग करना पड़े, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले दोनों तरफ के एंगल कॉक को बंद करेंगे कोच का। उसके बाद एयर होज पाइप जो होते हैं मैकेनिकल स्टाफ द्वारा अलग किया जाता है। अगर मैकेनिकल स्टाफ नहीं है तो एलपी एएलपी द्वारा इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये 750 वोल्ट का जम्पर है, ये दूसरे कोच से डिटैच करके इलेक्ट्रिक स्टाफ द्वारा इसको उसी कोच में फिर लगा दिया जाता है। उसके बाद गार्ड का फंक्शन होता है, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग हैंडल होते हैं, ऑपरेटिंग हैंडल के ऊपर एक देखिए किस प्रकार ऑपरेटिंग हैंडल के ऊपर ये नट लगा हुआ है, ये लॉक सिस्टम है। अब इसमें क्या करेंगे, ऑपरेटिंग हैंडल के ऊपर लॉक सिस्टम है, इसमें ये चाबी लगाएंगे, ये एसीपी रीसेट का ही चाबी होता है, उसको लगा के एंटी क्लॉक बाय खोलते हैं। देखिए किस प्रकार ये नट नीचा हो जाता है, ऑपरेटिंग हैंडल से नीचा हो गया, यानी ये लॉक खुल गया। अब ये लॉक खुल गया, अब ये ऊपर उठा के इसको ऊपर उठा सकते हैं, अब ये डिसकपल हो जाएंगे और दो कोच अलग हो जाएंगे। ये था आज का सब्जेक्ट, एसीपी रीसेट करना, ब्रेक वाइंडिंग रिलीज करना और दो कोच को